दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल और स्मॉल हाउस डिजाइन की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे एक पेड यूजर थे, उन्होंने मैं कांटेक्ट किया और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को डिजाइन किया है। आप इस हाउस पर बने रहिएगा पूरे वीडियो पर, आपको इसका पूरे डिटेल के साथ आज हम सारी चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके साइज की। इसका साइज है 12 फिट, इसकी चौड़ाई है 12 फिट दोस्तों, और जो लंबाई है वो 30 फिट है। मतलब प्लॉट का साइज है 12x30, समझ में आ गया होगा आपको। इस पर दोस्तों मैंने डबल स्टोरी, जो हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने मैं कॉन्टेक्ट किया था, उनकी डबल स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर, तो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों डिजाइन बनाने की मैंने कोशिश की है और बनकर भी रेडी हुआ है। अगर आपकी भी कम जगह है, 12 फिट जगह है, 12x30 फिट जगह है, तो आप ये लुक बना सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मैनेज की हैं। यहाँ पर आपको लेट बाथ भी मिलेगा, किचन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो फ्रंट ऐसा देख सकते हैं, मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ, उससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। और टॉप से ये देख सकते हैं, और थ्री साइड दोस्तों क्लोज्ड है, चारों तीनों तरफ से घर बने हुए हैं, कल फ्रंट से ही ओपन है। तो चलो पूरा डिफाइन करते हैं हम इसे। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। तो ये दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है इसका, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ जिससे इसका रियलिस्टिक व्यू आपको समझ में आ जाए। देख सकते हैं तो ये इसका रियलिस्टिक व्यू है दोस्तों। ये इसका मेन डोर है जो कि आपका लगभग 3.5 फिट का लगा हुआ है। तो ये 3.5 फिट का दोस्तों गेट है, और ये एक यहाँ पर देखिए बड़ा सा एक विंडो मैंने दी है। तो अब अगर आप टॉप से समझेंगे ना, स्टेयर से चढ़ कर आप जाएंगे ना, तो आप सबसे पहले एक गैलरी में पहुँचते हैं। गैलरी क्यों बनी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये किचन मैंने सबसे पहले डिजाइन किया है, जिसके लिए सेपरेट कर दिया है। अगर इसे सेपरेट नहीं करना चाहते तो ये वाली वॉल हटा दें, आप ओपन किचन भी आप बना सकते हैं, और ये विंडो इससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। अंदर जाते हो यहाँ पर दोस्तों स्टेयर्स बनी हुई हैं। अब से दोस्तों सबसे बड़ा खेल यहीं पर होता है कि 12 फिट में आपको 3.5 फिट की गैलरी भी देनी है और इसके बाद स्टेयर्स भी बनानी है। तो स्टेयर्स बनाते समय दोस्तों बहुत विशेष ध्यान आपको रखना होगा। स्टेयर्स जब भी कोई भी मिस्त्री जब आपका घर बनाए तो उसको ध्यान में रख कर बनाइएगा कि ऐसा ना हो स्टेयर्स बनाने में, क्योंकि कम जगह में स्टेयर्स को प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो उसका विशेष ध्यान रखें, स्टेयर्स बहुत ही नॉर्मल तरीके से प्रॉपर से बनाएं। इसके बाद जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको ये किचन लेट एंड बाथ देखने को मिल जाता है इसी गैलरी से, और सबसे पीछे आपका एक बेडरूम है, देख सकते हैं बड़ा सा एक बेडरूम देखने को मिलता है। तो 12x30 फिट का जो प्लॉट है, सबसे पहले आपको एक बड़ा सा किचन, स्टेयर्स, लेट बाथ और बेडरूम, जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी दोस्तों वो मैंने सारी यहाँ पर क्रिएट कर दी है। तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, मतलब वही बेडरूम है, वही लेट बाथ है, और ये वही आपकी स्टेयर्स हैं। बस आगे का दोस्तों पोर्शन आपका चेंज हो गया है, जहाँ पर किचन तो उसको हटाकर पूरा एक साथ ले लिया, तो उसको यहाँ पर मैंने एक बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया। बट उनको एक पूजा घर भी चाहिए था, तो मैं तो उनसे यही सजेस्ट करूँगा कि पूजा घर के लिए आप ये वॉल सेपरेशन मत दीजिए, आप लकड़ी का जो पूजा घर मार्केट में मिलता वो इस कोने पर कॉर्नर पर आ करके रख लीजिएगा, इससे आपका पूरा काम होगा। अगर ये दीवार खड़ी कर देंगे ना, तो फिर ये बेडरूम का आपका सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये उनका हालांकि एक बेडरूम है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक डोर दिया है बालकनी को एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पर एक विंडो भी है। ये बालकनी लगभग 2.5 फिट की है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं ग्रिल वगैरह भी मैंने यहाँ पर लगा रखी है, जो काफ़ी बेहतरीन 12x30 फिट में। ऊपर की बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, और यहाँ पर किचन मैंने हटा दिया, लेट बाथ वही है, स्टेयर्स वही है। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की, तो 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, स्टेयर्स को रखने के लिए गुमटी, और ये फ्रंट में बेहतरीन से ग्रिल का डिजाइन बनकर रेडी होता है। तो 12x30 फिट में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्लान मैंने डिजाइन करके आपको दिया है। अगर आपकी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इस घर को कंसीडर कर सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस का दोस्तों इस्तेमाल करने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट करिएगा और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं हाउस बना करके दे दूँगी। तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, वहाँ पर मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को लेकर के हाउस बनाऊँगा। और विशेष ध्यान रहे कि 50% पेमेंट आपको एडवांस देना होता है, 50% बाद में देना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर वीडियो हमारा ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। तो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।